तो हमारा सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक था, सरलीकरण वाला टॉपिक। मैं पहले वाले पार्ट्स में भी आपको इसकी कुछ अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स बता चुकी हूँ, आज भी आपके लिए कुछ न्यू ट्रिक लेके आई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो देखते हैं, आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ, जो आपके जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहले ये देखते हैं हम। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन बाई फाइव, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इसको फटाफट कैसे सोल्व करेंगे। एक तो होता है कि इस भिन्न सारी भिन्न को अपन सोल्व करें, एक तो ये तरीका होता है। दूसरा कौन सा तरीका है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। कि सबसे पहले देखो नीचे, देखो को क्या नंबर है, एक बटा पाँच। क्या लिखा हुआ है, ये एक बटा पाँच। अब इस एक बटे पाँच को यहाँ पे लिख दो ए, ठीक है, यहाँ लिख दो एक बटे पाँच। वन और फाइव मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, देखो कि ये कितने, मतलब कितने नंबर है, वन टू थ्री, कितने कितने एक है, वन टू, कितना चल रहा है ये, एक दो तीन, कितना चल रहा है, तीन चल रहा है। ऐसे सिलनों में कितना आगे, कितना चल रहा है, आगे कितना बढ़ रहा है, वन टू थ्री, थ्री स्टेप आगे बढ़ रहा है ना, ऐसे आप याद करो। तो थ्री डॉट लगा दो, वन टू और थ्री। ठीक है, अपन ने थ्री डॉट लगा दिए। ठीक है, अब थ्री, अब इसमें फाइव में वन ऐड करेंगे। ठीक है, जो भी ऐड कर करके यहाँ पे लिखेंगे हम। पाँच में एक ऐड करूँगी तो पाँच में एक जोड़ा तो कितना आया, छः। फिर छः में पाँच जोड़ूँगी तो कितना आएगा, ग्यारह। ठीक है, ऐसे फिर 11 में 6 ऐड करूँगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 17। ठीक है, हो गया, समझ में आया। यहाँ पे मैंने ये चीज़ एज इट इज यहाँ पे उतार दिया। फिर मैंने 5 में 1 जोड़ दिया, 6, 6 में 5 जोड़ा तो 11, 11 में 6 जोड़ा तो 7। ठीक है, सॉरी 7 नहीं, 17। ठीक है, अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11/17, ये आपका आंसर। समझ में आया आपको, कुछ नहीं करा मैंने, बस इसको उठा के यहाँ रख दिया। फिर ये कितना चल रहा है, वन टू थ्री, थ्री डॉट लगा दिए मैंने। फिर इसको ऐड कर लिया, इसमें पाँच में एक जोड़ा तो छः आ गया, छः में पाँच जोड़ा तो ग्यारह, ग्यारह में छः जोड़ा तो 17। ठीक है, तीन तक ही चलाना क्योंकि तीन ही आगे चल रहा है वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन अपना वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन टू अपॉन थ्री, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब आप इसको वैसे सारी भिन्न को सोल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें सबसे लास्ट में क्या है, 2/3, क्या है, 2/3, 2/3। तो वही मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ लिख दो 2, इधर लिख दो 3। ठीक है, यह लिख दिया आपने। ठीक है, ये भिन्न को मैंने इस तरह से लिख दिया। फिर कितना चल रहा है आगे, 1, 2, 3, 4, 5, कितना चल रहा है, 5 चल रहा है। तो 5 डॉट लगा दो यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 चल रहा है तो 5 डॉट बना दिया अपन ने। फिर अब इनको ऐड करेंगे, वही सेम कंडीशन। 3 में 2 ऐड करा तो कितना आ गया, 5। 5 में 3 ऐड करा तो कितना आ गया अपने पास, 8। 8 में 5 ऐड किया तो कितना आ गया, 13। 13 में 8 ऐड किया तो कितना आ गया, 21। और 21 में 13 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34। ठीक है, समझ में आ गया। 3 में 2 ऐड किया तो 5, 5 में 3 ऐड किया तो 8, 8 में 5 तो 13, 13 में 8 तो 21, 21 में 13 तो 34। अब आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, 21/34, ये आंसर है। समझ में आ गया होगा आपको।
अब मैं आपको अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सोच रहे होंगे अगर यहाँ पे एक मतलब दो होता है, यहाँ पे तीन होता, चार होता, तो वो क्वेश्चन आप कैसे करेंगे सोल्व, या फिर प्लस की जगह अगर माइनस होगा तो उनको कैसे सोल्व करेंगे, वो भी मैं आपको अगले वाले क्वेश्चन में बताऊँगी कि उनको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, मैंने माइनस वाला लिया था, अभी इससे पहले मैंने अपन ने किया था प्लस वाला, तो प्लस में तो हम सबको क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, प्लस में तो सबको ऐड करते हुए आ रहे थे, अब हम माइनस का है, तो अभी इसको किस तरह से करेंगे, माइनस के क्वेश्चन को अपन किस तरह से करेंगे, सॉरी, तो माइनस के क्वेश्चन को सबसे पहले वही लास्ट में देखो कि क्या है, वो एक बटा चार है, बाकी सब सेम है, एक बटा चार, तो मैंने इसे एक बटा चार को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, एक और चार, फिर देखो कितना चल रहा है, ये कितने पॉइंट आगे चल रहा है, 1, 2, 3 और 4, तो 4 डॉट लगा देंगे, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सारी मतलब सारी कंडीशन वही है, वही तरीका है, बस यहाँ पे साइन क्या आ गया, माइनस का साइन है, तो इसको कैसे सबसे पहले 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, ठीक है, फिर 3 में से 4 माइनस करेंगे, 3 में से क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1, फिर माइनस 1 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4, फिर माइनस 4 में से माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। अब ये कैसे आया आप सोच रहे होंगे, कैसे मतलब कैसे आया, जैसे सबसे पहले मैंने कोई भी संख्या जैसे माइनस 4 में से माइनस 3 गया तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है, माइनस का 1 आएगा, ये याद रखना। फिर दूसरा है, अगर माइनस 1 में से माइनस 3 को वो करेंगे तो ये क्या प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। कभी भी एक चीज़ याद रखना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, और प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ये याद रखने वाली चीज़ है। दूसरा, अगर कहीं पे माइनस और प्लस आ गया तो माइनस हो जाएगा, और अगर प्लस प्लस है तो प्लस ही होता है, ये सब आप जानते ही हो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद अगला, अब इसमें आंसर, तो आंसर क्या होएगा इसका, माइनस 4/-3, ठीक है, -4/-3, माइनस से माइनस क्या कट गया, हट गया, कट जाता है माइनस से माइनस, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4/3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 1/(1-1)-1/(1)-1/(1)-2/3, 2/3, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, वही तरीका है सेम, 2/3, तो 2/3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, चीटियाँ क्यों आ रही है, 2/3 यहाँ लिख दिया, ठीक है, फिर कितना आगे चल रहा है, ये कितना पॉइंट आगे चल रहा है, 1, 2, 3 और 4, तो 4 डॉट लगा ले, 1, 2, 3, 4, ठीक है। सबसे पहले वो एक 3 में से 2 माइनस करा तो कितना आ जाएगा, 1, ठीक है, ठीक है, तो 3 में से 2 माइनस किया तो क्या आ गया अपने पास, 1 आ गया। फिर 1 में से 3 माइनस करूँगी, 1 में से 3 माइनस, जब छोटी संख्या में से बड़ी माइनस करते हैं तो वो क्या आता है, माइनस का हो जाता है, ठीक है। फिर माइनस 2 में से 1 माइनस करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। फिर इसके पास माइनस 3 में से माइनस 2 करूँगी, माइनस 3 में से माइनस 2 क्या करूँगी, माइनस करूँगी तो कितना आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस 2 में से माइनस 3 माइनस करूँगी, तो इधर देखो मैं कैसे कर रही हूँ, एक बार ये देखो, माइनस 2 में से माइनस 3 को माइनस कर रही हूँ तो ये कैसे हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2+3 तो ये कितना हो गया, माइनस का 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, -5 हो गया। अब आंसर क्या हो जाएगा अपने, -3/-5, माइनस से माइनस कट गया तो 3/5 आंसर हो गया, ठीक है। हमारा
अगले उसी पैटर्न का दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वो तो प्लस और माइनस क्वेश्चन तो हो गए थे, अब अलग है। तो 1 बटा 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 2, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो क्या यहाँ पे 1 1 1 था, क्या था 1 1 1 था, सेम था। अब यहाँ पे अलग अलग नंबर है, तो अब कैसे करेंगे, क्या वही लॉजिक लगेगा या कुछ अलग होगा। तो अब देखते हैं कि अब कैसे करेंगे इसको सोल्व, ठीक है। तो सबसे पहले वही कंडीशन रहेगी कि यहाँ पे क्या 1/2 क्या है, यहाँ पर 1/2, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, ए 1 और 2, ठीक है। फिर कितना चल रहा है, 1 2 3, कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। तो 1 2 3 वही सेम सिचुएशन, 3 चल रहा है, तो 3 रोट लगा दिए मैंने। फिर इसके बाद देखेंगे 3 चल लिया, फिर अब यहाँ पे इसको तो करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, किसे करेंगे इसको 5 से गुणा, और जो यहाँ पे जो आएगा उसको किसे करेंगे 2 से गुणा, और जो यहाँ पे आएगा उसको भी किसे करेंगे 2 से गुणा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये अलग अलग नंबर है इसलिए इनको गुणा करते हैं, ठीक है। उनमें भी गुणा कर रहे थे, पर उसमें क्या 1 था, अब 1 को किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, इसलिए उसमें इतना पता नहीं लगा। अब यहाँ पे अलग अलग नंबर है इसलिए हमें पता लग रहा है। तो जैसे पहले, सबसे पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा 10, और फिर 10 में 1 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 11, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 11, ठीक है। ये हो गया, 5 × 2 करें तो 10, 10 में 1 जोड़ा तो 11, फिर 11 × 2 करेंगे, 11 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, और 22 में क्या जोड़ देंगे 2 जोड़ देंगे, 22 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24, क्या आ जाएगा 24, ठीक है। इसके बाद वही 24 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 × 2 करने पर 48, और 48 में कितना जोड़ देंगे अपन 11, 48 में कितना जोड़ देंगे 11, तो कितना आ जाएगा 59। समझ में आया, एक बार दोबारा देखते हैं कि मैंने सबसे पहले ये नंबर यहाँ पे लिख दिया 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर है इनको इनसे गुणा करेंगे, इनसे क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे, इस वाले को, ये वाला नंबर इससे गुणा होएगा, अगले डॉट से ये इससे गुणा होएगा, ठीक है। फिर 5 × 2 करा तो 10 हो गया, 10 को 1 से ऐड कर दिया तो 11 हो गया, 11 लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये अलग से लिख देती हूँ मैं, सबसे पहले वही ये चीज़ लिखा, फिर कितने संख्या है 1 2 3 डॉट बनाए, 1 2 3 डॉट बना दिया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो आएगा उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 2 को 5 से गुणा किया तो 10 आ गया, 10 में 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया 11, ठीक है। फिर 11 को 2 से गुणा करा तो 22, 22 में 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया 24, ठीक है। फिर 24 × 2 करें तो 48, 48 में 11 जोड़ेंगे तो 59। तो अपना आंसर क्या हो गया, 24 बटा 59, ये अपना आंसर है। समझ में आया होगा आपको। सेम इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। वही 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो वही सबसे पहले 1/4 लिख दिया अपन ने, लिख दिया 1/4, कितना चल रहा है 1 2, कितना चल रहा है 2 डॉट बना दिए, ठीक है। इसको तो किसे करेंगे 3 से गुणा, और ये जो आएगा उसको, इसको किसे करेंगे 2 से गुणा। 4 तिया 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 × 13 13 × 26 26 और 4 कितना हो गया 30, ठीक है। तो अपने पास आ गया 1 4 13 और 30, तो आंसर क्या हो गया हमारा 13/30। बहुत इजी तरीका है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत जल्दी दिमाग में फिट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और बताती हूँ सेम इसी टाइप का, जैसे अपन ने कुछ भी संख्या लिख लेते हैं अपने मन से, 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/8,
ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले फटाफट करना है तो एक और आठ यहाँ पे लिख दिया, कितना चल रहा है, एक दो, तो दो डॉट बना दिए। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, वन से, और जो आएगा उससे किससे मल्टीप्लाई करना है, टू से। ठीक है, आठ और एक कितना, आठ को एक से मल्टीप्लाई करें तो आठ ही आएगा, और आठ को एक से जोड़ा तो नौ, कितना आ गया, नौ। फिर नौ इंटू दो करें तो अट्ठारह, अट्ठारह में आठ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, छब्बीस। ठीक है, अपना आंसर क्या हो गया, नौ बटे छब्बीस, नौ बटा छब्बीस क्या हो गया अपना आंसर हो गया। ऐसे आप कोई भी संख्या हो उसको आप इतना जल्दी फटाफट कर लोगे इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चार माइनस पाँच बटा वन प्लस वन बटा थ्री प्लस वन बटा टू प्लस वन अपॉन फोर। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो वही तरीका, सबसे पहले लास्ट में क्या है, एक बटा चार, तो एक और चार मैंने यहाँ लिख दिया, कितना आगे चल रहा है, वन टू थ्री, यहाँ पे वन टू थ्री आगे चल रहा है, थ्री डॉट लगा दो। ठीक है, ये तो टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये थ्री से मल्टीप्लाई होगा, और ये वन से होगा, ये हो गया चार दूनी आठ, आठ और एक कितना हो गया, नौ, नौ नौ कितना था, सत्ताईस, सत्ताईस में चार जोड़ा तो कितना हो गया, इकतीस, इकतीस को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकतीस से आएगा, इकतीस को नौ जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, चालीस। ठीक है, ये आ गया अपने पास, तो हम अपने मेरे क्या हो गया, इकतीस बटा चालीस आंसर आ गया। बट अभी आंसर नहीं आया क्योंकि अपने यहाँ पर फोर माइनस फाइव भी है, फोर माइनस फाइव भी है, तो इसको अलग से कर लूँ, फोर माइनस फाइव मल्टीप्लाई इकतीस बटा चालीस कर दिया मैंने। ठीक है, ये कर दिया, पाँच से आठ का डिवाइड करा तो कितना, पाँच, आठ बार कट गया चालीस, सॉरी पाँच से आठ कितने, चालीस कितनी बार कट गया, आठ बार, पाँच आठ तो चालीस। ठीक है, आठ पंजे चालीस होता है तो आठ बार कट गया ये। ठीक है, तो अपने पास आ गया फोर माइनस इकतीस बटा आठ। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो आठ ही आएगा, आठ चौक बत्तीस माइनस इकतीस, तो बत्तीस में से इकतीस गया तो एक, और बचा आठ, तो आंसर क्या हो गया अपने पास, एक बटा आठ आंसर। अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।